लिए एक कहानी है जो मुरलीकांत पेटकर पे आधारित है उनकी जिंदगी पर। मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है मेरे लिए, और मुरलीकांत पेटकर एक वॉर हीरो है, एक स्पोर्ट्समैन है, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है जिनकी बहुत ही अजीबोगरीब एक जिंदगी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। मुरलीकांत पेटकर भी हिंदुस्तानी फौज के जवान थे और उनको 1965 की जंग में यहीं कश्मीर में 9 गोलियां लगी थी, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लाइन है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। जब वो फिल्म देखेंगे भी तो वो नोटिस करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों में सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है मेरे लिए, और लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि पहले मैं बहुत रोमांटिक फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है उसमें बहुत की है मैंने या लोगों को पसंद है मैं उस जॉनर में, बट ये मेरे लिए मुझे ऐसा लगा ये एक लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी आती है विद चंदू चैंपियन। आई थिंक वो मेरा जो भी डिस्कम्फर्ट था या जॉनर मेरे लिए अलग था वो बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी स्टोरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, और इट्स अ सैड रियलिटी दैट लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट मुरलीकांत पेटकर जी। सो आई थिंक एंड हैट्स ऑफ टू ऑल हिज अचीवमेंट्स। सो बेसिकली जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, कबीर सर ने जब कहानी सुनाई थी, तब मैं एक्चुअली मैं शॉक में था, और मैंने इनसे यही पूछा था कि सर ये सच में ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती है, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सारे फैक्ट्स और लॉजिक बताए, एंड आई वाज रियली सरप्राइज बाय दैट। सो वो इंस्टेंटली मेरे लिए तो दिमाग में ये था कि ये कहानी कैसे भी पर्दे पर आनी चाहिए और मैं उसका हिस्सा होना चाहता हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं शॉक था और सरप्राइज था कि ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी किसी को पता नहीं है, और ये ऐसी स्टोरी है जो ना कि सिर्फ इंडियंस को, ये बाहर भी यूनिवर्सली जिस तरीके से एक हमारे एक इंडियन ने अपने देश का नाम रोशन किया पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, उस कहानी को हम कैसे नहीं जानते अभी तक, उस कहानी को अभी तक कैसे नहीं सेलिब्रेट किया हमने। सो आई थिंक वो बहुत एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, और जब ये मैं रोल प्ले कर रहा था तब मेरे दिमाग में बार बार हर जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जो उनकी लाइफ में आया और जो हम फिल्म में दिखा रहे थे वो जो मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मैं यही सोचता था कि इनके ऑब्स्टिकल कितने लेवल कितने ऊपर के लेवल के, और वो फिर भी गिव अप नहीं करते। जो हमारी वन लाइन है, टैग लाइन है फिल्म की कि मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लाइन है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। जब वो फिल्म देखेंगे भी तो वो नोटिस करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों में सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीज बहुत इस फिल्म को देख के लोगों के दिमाग में आई, जो हमारी उस स्क्रीनिंग पे भी आया था कि काफी लोगों ने ये चीज को नोटिस किया था और उन्होंने खुद बोला कि अब मैं भी कुछ करना चाहूंगी या करना चाहूंगा। सो वो बहुत एक मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ स्टोरी से व्हाइल प्लेइंग मुरलीकांत। मूवी के बारे तो उसे जो हम बताना चाहते थे हमने ट्रेलर में डाल दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कहानी है जो मुरलीकांत पेटकर पे आधारित है उनकी जिंदगी पर, और मुरलीकांत पेटकर एक वॉर हीरो है, एक स्पोर्ट्समैन है, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है जिनकी बहुत ही अजीबोगरीब एक जिंदगी थी, तो वो सब्जेक्ट है हमारी फिल्म का जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जो 14 जून को रिलीज हो रही है। और ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि बहुत अलग अलग किस्म के जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिंदगी में, उस सब के बारे में ये फिल्म है। और जम्मू हम इसलिए आए हैं क्योंकि जम्मू उधमपुर जो है एक बहुत ही बड़ा आर्मी बेस है, कंटोनमेंट है, और मुरलीकांत पेटकर भी हिंदुस्तानी फौज के जवान थे और उनको 1965 की जंग में यहीं कश्मीर में 9 गोलियां लगी थी, और वो उधमपुर जो यहाँ से पास में जो सबसे बड़ा कंटोनमेंट है उधमपुर के हॉस्पिटल में थे काफी अरसे के लिए। तो इसलिए आपने सोचा कि हम अपने जवानों के साथ एक आके एक फिल्म के लिए एक जश्न रखें, थोड़ा उनके साथ